उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के उन कम विकसित राज्यों में से है जहां कृषि व पशुपालन आजीविका का मुख्य स्रोत है। आबादी के बढ़वार के साथ घटती जोत के आकार ने खेती के साथ पशुपालन की भूमिका बढ़ा दी है। इन क्षेत्रों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूमिहीन परिवारों का है, जिनकी आजीविका मजदूरी के साथ साथ छोटे पशु जैसे बकरी तथा पिछवाड़ा पक्षी पालन पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर लखनऊ इलाहाबाद मार्ग पर रायबरेली राजनीतिक कारणों से चर्चा का बिंदु रहा है। विश्वास संस्थान इस जिले के राही, अमावा, सताव और हरचंद्रपुर ब्लॉक में पिछले 15 सालों से स्वास्थ्य, आजीविका और महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रही है। विश्वास संस्थान की स्थापना 1996-97 में हुई थी। इसका पंजीकरण 27 मार्च 1999 में हुआ है। विश्वास संस्थान पिछले 15 वर्षों से रायबरेली और इसके आसपास के जनपदों में ग्रामीण एरिया में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में जो अति कमजोर और निःशक्त परिवार हैं, जिनकी की गवर्नमेंट की योजनाओं में पहुंच बहुत कम है, उन लोगों को, उन परिवारों को जागरूक करके उनको लाभ दिलाना मुख्य उद्देश्य है। संस्थान महिलाओं और बच्चों के प्रति कमिटेड है। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए यथासंभव हर प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें कि हम लोग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन लोगों को एक साथ जोड़ते हैं, साथ में बैंक से उनको बचत कराते हैं, ऋण करवाते हैं और उनको आर्थिक दिशा में मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। संस्थान ने वर्ष 2008 में नाबार्ड के सहयोग से स्वयं सहायता समूह व सूक्ष्म उद्योग प्रवर्धन परियोजना चलाई। परियोजना क्रियान्वयन में हालांकि मुख्य जोर दुधारू पशुओं पर था, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों की मांग, खासकर भूमिहीन और महिला नेतृत्व परिवार की बकरी पालन की थी। गांव के गरीब परिवारों की बकरी पालन को सुदृढ़ करने की मंशा को देखते हुए संस्थान ने एक सर्वे और समस्या विश्लेषण किया। संस्थान ने द गोट ट्रस्ट के संजीव कुमार जी से इस दिशा में मार्गदर्शन के लिए विस्तृत चर्चा भी की। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने वर्ष 2009 में विश्वास संस्थान को एक प्रायोगिक बकरी परियोजना को स्वीकृति दी। परियोजना का मुख्य लक्ष्य गरीब बकरा पालक परिवार को संगठित करना, प्रत्येक गांव में पशु सखी व बकरा उद्यमी तैयार करना तथा बकरा पालकों की आमदनी में इजाफा करना था। परियोजना की शुरुआत लक्षित परिवार के सर्वे व बकरी पालक समूह निर्माण से हुई। संस्था की पहली चुनौती लोगों को विश्वास दिलाना था कि टीकाकरण, पेट कीड़ा दवा और प्राथमिक चिकित्सा से मृत्यु दर कम की जा सकती है। बकरी पालक किसी भी आर्थिक निवेश के लिए तैयार नहीं थे। इस फेज में विश्वास संस्थान ने पुरुष बकरी पालकों को संगठित किया, उन्हें उन्नत बकरी पालक क्षेत्रों का भ्रमण कराया, उन्नत नस्ल के बकरे बकरी की खरीद चक्रीय राशि से करवाई तथा प्रत्येक गांव में पशु सखी व बकरा उद्यमी तैयार किया। इस चरण में 10 गांवों में कार्य किया गया। वर्ष 2011 में इस परियोजना का सहभागी मूल्यांकन हुआ, जिसमें ये परिणाम सामने आए। बकरी की मृत्यु दर 26% से घटकर 6.7% हो गई। पशु सखी अवधारणा सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर कारगर हुई और बकरी पालकों ने शुल्क देकर प्राथमिक चिकित्सा तथा टीकाकरण व अंतःपरजीवी दवा की सेवा ली। उन्नत नस्ल के बकरे से 579 मेमने प्राप्त हुए तथा बकरा उद्यमी ने औसत रूप में 7,500 रुपए लाभ अर्जित किया। क्षेत्र में बकरीद के लिए उन्नत नस्ल के बकरे का पालन प्रारंभ हुआ। परियोजना के दौरान
सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के कार्यक्रम अधिकारी श्री भास्कर मित्रा ने क्षेत्र भ्रमण किया। परियोजना की सफल क्रियान्वयन के लिए उन्होंने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। उपलब्ध मानव संसाधन तथा बकरी की संख्या निर्धारण को लेकर उन्होंने लोगों से चर्चाएं भी की। परिवार में इस परियोजना के बाद कुछ समस्याएं और सीख भी मिली, जो इस प्रकार है। पुरुष आधारित बकरी पालक समूहों की मीटिंग में उपस्थिति बकरी बकरा राशि प्राप्त होने के बाद कम होती चली गई। टीकाकरण तथा पेट कीड़ा दवा की छोटी राशि जमा करना गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया। बीमा न होने के कारण बकरी की मृत्यु होने की दशा में गरीबों पर चक्रीय राशि वापस करना मुश्किल हुआ। महिला बकरी पालकों तक नई सीख व ज्ञान की पहुंच कम होने से नई तकनीक का अंगीकरण कम हुआ। पशु सखी तथा बकरी पालक समूह सदस्यों के बीच समन्वय का अभाव रहा। कार्य सिर्फ 10 गांव तक सीमित था, अतः इसे आसपास के अन्य गांव में भी प्रसार करने की मांग क्षेत्र से आई। प्रायोगिक परियोजना की आरंभिक सफलता के बाद वर्ष 2011 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने विश्वास संस्थान को इस परियोजना को 40 गांवों में प्रसारित करने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। विश्वास संस्था ने पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार कार्यक्रम में सबसे पहले महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। प्रत्येक निर्मित बकरी पालक समूह तथा नए समूह में महिला बकरी पालक को शामिल किया गया। परियोजना के कार्यकर्ताओं ने द गोट ट्रस्ट द्वारा आयोजित 10 दिवसीय बकरी पालन तकनीकी प्रशिक्षण में भाग लिया, ताकि तकनीकी पहलुओं पर कार्य सिलसिलेवार और सुनियोजित ढंग से हो सके। परियोजना का उद्देश्य निर्मित सेवाओं का समुदाय द्वारा संचालन था, जिसके कारण ये गतिविधियां इस परियोजना का मुख्य हिस्सा बनी। प्रत्येक गांव में सहभागी समस्या विश्लेषण व समस्या वरीयता तथा समाधान रणनीति निर्माण। इस कार्य के लिए महिला बकरी पालकों द्वारा स्थानीय बकरी पालन समस्या का सहभागी विश्लेषण किया गया। समुदाय ने वर्तमान बकरी पालन में मौसम के अनुसार चारा उपलब्धता, बकरी ब्यात, बीमारी व मृत्यु को वर्गीकृत किया गया तथा इसके आपसी संबंध को समझने का प्रयास किया गया। इन समस्याओं के समाधान के लिए चारे की खेती तथा चारा फसलों पर विशेष कार्य करने की योजना तैयार की गई। मेरा नाम शांति है और मेरे गांव का नाम पूरा पिंडोर है, और हमको एक चार्ट जमीन में बनाकर बताया गया है कि कौन से महीने में चारा अधिक होता है और कौन से महीने में नहीं होता है, कम होता है। जिस मौसम में चारा नहीं होता है तो हम जो चारा पहले होता है उसको हम रख लेते हैं, फिर खिलाते हैं उसको, जैसे भूसा है। मेरा नाम राम स्वरूप है, मैं ग्राम सलारपुर में रहता हूँ। 10 बिस्वा जमीन बकरियों को लिए रखता हूँ हरा चारा बोने के लिए। कभी लुबिया बोते हैं, कभी बरसीन भी बोते हैं, कभी मक्कर भी बोते हैं। इसलिए हम बोते हरा चारा, हमारी बकरियों को हरदम हरा चारा साल के 12 माह बना रहे। बीमारी कम करने तथा साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए खुले बाड़े का प्रचलन, बिना रस्सी बांधे बकरी पालन, चरही या नाद में चारा दाना देने का रिवाज तथा साफ पानी की व्यवस्था पर बकरी पालकों ने कार्य करने की योजना बनाई। बकरा उद्यमी तैयार करना। प्रजनक बकरे की अनुपलब्धता के कारण 30% बकरी का अगर्भित रह जाना एक गंभीर समस्या के रूप में महसूस की गई। छुट्टा बकरों की गुणवत्ता अत्यंत निम्न थी तथा संख्या भी काफी सीमित थी। ऐसे में 3 से 4 बकरी पालने वालों के लिए हालात मुश्किल थे। इस स्थिति को देखते हुए समुदाय के साथ
मीटिंग में बकरा उद्यमी अवधारणा पर चर्चा हुई। समिति में से कुछ महिला व पुरुष लोन पर उन्नत बकरा खरीदने को तैयार हुए। समिति सदस्यों ने प्रजनन सेवा शुल्क के रूप में 20 से 30 रुपए प्रति बकरी देना तय किया। समिति के बाहर के बकरी पालकों के लिए ये शुल्क 50 रुपए प्रति बकरा रखा गया। चूंकि बकरा क्रय व रख रखाव खर्च अधिक था, अतः सेवा शुल्क से किश्त अदायगी संभव नहीं था। चर्चा के बाद तय हुआ कि बकरे का लगभग 14 माह या 2 दांत के खरीदे जाने तक 1 साल बाद इसे दूसरे गांव में बेच दिया जाए। 1 वर्ष में बकरे के मूल्य में 1.5 से 2 गुना वृद्धि हो जाती है, अतः ये एक लाभकारी व्यवसाय की तरह कार्य करता है। बकरा उद्यमी को प्रजनन का महत्व समझने और उन्नत बकरी पालने के लिए ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण कराया गया जहां से उनको संबंधित जानकारी हासिल हो। संस्थान इन बकरा पालकों को प्रोत्साहन राशि, प्रति उन्नत मेमना पैदाइश तथा प्रतियोगिता के आधार पर प्रदान करती है। सर, हमारा नाम हबीबुल निसा, मैं रायपुर महेरी की रहने वाली हूँ। हमारे लिए यहाँ पर जो है बकरियों के लिए बहुत परेशानी थी, तो मैं बकरा खरीद के लाई हूँ नस्ल सुधार के लिए। इस वजह से इससे गर्भित कम से कम 20 बकरियाँ हुई हैं, तो उसमें जो है बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं और सबको सेवा भी मिलती है। और नहीं तो पहले जो है इनका बकरीन का सेवा नहीं हो पावत है बकरन की वजह से। यहाँ बकरा जो है छोटे छोटे रहे, बहुत बकरी ऐसे निकल जाती थी। तो अब जो है ये बकरन से जो है नस्ल का सुधार हो रहा। नाम है कालीचरण, अड़ोबर के रहने वाले हैं। हम बकरी पालक हैं, हम संस्था से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ संस्था से जुड़े हुए संस्था के लोग यहाँ पर आए, हमसे कहा कि अब तुम देसी बकरियाँ पालते हो, अब हमारे यहाँ से बकरा एक खरीदो। वहाँ से बकरा जब लाओगे तो यहाँ अच्छी अच्छी नस्ल उपलब्ध होगी, अच्छी अच्छी नस्ल के बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे। बकरा के रख रखाव के लिए हमने अच्छी से अच्छी सफाई करते हैं, दवा पिलाते हैं, पेट की कीड़ों की दवा पिलाते हैं, सफाई करते हैं और समय समय पर पशुखी द्वारा देखभाल करते हैं। जब हमने बकरा लाया तो यहाँ पे बच्चे इस सिरोही नस्ल के, ऐसे देसी नस्ल के 2 किलो 1.5 किलो बच्चा होते थे। जब सिरोही नस्ल के बकरा लाया तो 2.5 से 3 किलो तक बच्चे, स्वस्थ बच्चे होते पैदा। नए पशु सखी तैयार करना तथा प्रशिक्षित पशु सखी को पशु नर्स तथा बकरी व्यवसाय द्वारा आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। संस्था ने परियोजना क्षेत्र के नए गांवों में नई पशु सखी तैयार किया। बकरी पालक समूह द्वारा चुने गए संभावित पशु सखियों का कार्य के ऊपर आमुखीकरण संयुक्त रूप से किया गया। परिवार की सहमति के बाद इन्हें 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण तथा किट प्रदान किया गया। इन पशु सखियों ने घर घर जाकर उन्नत बकरी पालन पर जानकारी दी तथा टीकाकरण, पेट कीड़ा दवाई इत्यादि आदि जैसे कैंप आयोजित किए। मेरा नाम दिव्या है, मैं पशु सखी के पद पर विश्वास संस्थान में काम करती हूँ। मैं आज ग्राम कोरिहर में स्वास्थ्य केंद्र लगा हुआ है, जिसमें बकरियों के टीकाकरण, डिवर्मिंग और सारी जांच किया। हम हर 2-2 महीने में हर जगह स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं, जिससे हमारे गांव की बकरियां बीमार न हो और मृत्यु दर को कम किया जाए। यहाँ पे सब बकरियों के दवा देनी जा रही है, पेट में कोई कीड़ा उड़ा नहीं रहता है, सबकी बकरी अच्छे से रहती है और हर 2 महीना सखियां आके सब चेकअप करती हैं। 3 माह पर इनकी ग्रेडिंग तयशुदा मानकों पर की गई तथा उत्तम ग्रेड पाने वाली पशु सखियों को द गोट ट्रस्ट में उन्नत तकनीक पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। पूर्व प्रशिक्षित पशु सखियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए द्वितीय स्तर का प्रशिक्षण द गोट ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया गया। पहले रहा है कि कोनो ना, जैसे बकरी हमारी बीमार हो चुकी,
ना कोनो दवा है ना पानी है कुछ नहीं, ना बीमार भय तो जाके इनसे दवा लेना सुई दवा के हिन अपे उपाव भर जितना है उतना करती है। आप पशु सखी कब से बनी? जी पशु सखी आज हमको 2 साल। क्यों पशु सखी बनना आपने क्यों तय किया? उससे हमारा भी कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और यहाँ गांव के लोगों का भला भी होगा उससे। तो जब आप प्रशिक्षण के लिए गए जी तो क्या क्या मन में डर लगता था, क्या क्या हुआ मन में? तो जी पहले तो रहने के लिए जब यहाँ से बुलाया कि 5 दिन रहना है तो रहने के लिए फिर यहाँ से घर से परमिशन मिल गया तो गए वहाँ पर। पहले सीखने में बोलने में कुछ पूछा जाता था तो बताने में डर लगता था, दवा के बारे में बताते थे तो वो भी नहीं ज्यादा जानकारी थी। पहले दिन तो बहुत ही डर लगता था, दूसरे दिन उससे कम हुआ, फिर तीसरे दिन उससे कम हुआ, फिर तो थोड़ा बहुत हिम्मत बढ़ी। तो जब आप प्रशिक्षण लेके वापस आई तो कैसे कैसे काम शुरू किए? जी पहले वहाँ से प्रशिक्षण लेके आए